चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज के अंदर चाहे एसी के अंदर जो कंप्रेसर मोटर होता है वो कैसे कार्य करता है, आखिर वह किस प्रकार से गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, या फिर फ्रिज हमारी कैसे ठंडा करने लगती है। तो कंप्रेसर को हम स्पेशल समझने वाले, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंप्रेसर हो, चाहे वो फ्रिज का कंप्रेसर हो, चाहे वो एसी का कंप्रेसर हो, चाहे वो कोई भी कंप्रेसर हो, कंप्रेसर को हम डिटेल में समझने वाले। सबसे पहले देखिए बात करते हैं कंप्रेसर होता क्या है। तो कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर, हम एक कंप्रेसर को यहां आपको दिखा हैं। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है जो लाइट से पावर देने पे, सप्लाई देने पे कार्य करता है। मतलब इसके अंदर अगर हम पावर देंगे तो ये चालू हो जाएगा, और जब ये चालू होगा तो करेगा क्या, गैस को एक साइड से खींचेगा, दूसरी साइड से बाहर फेंकेगा। जिस प्रकार से हमारा दमकल वाला ट्यूबवेल होता है ना, जब हम उसको चालू करते हैं तो क्या करता है, वो पानी को एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ से फेंकता है। तो जहां से खींचता है हम उसको बोलते हैं कि वो उसका सक्शन लाइन है, और जहां से फेंकता है उसको बोलते हैं कि ये उसका डिस्चार्ज लाइन है। मतलब जहां से वो पानी को फेंक रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, खत्म कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, वो डिस्चार्ज लाइन, और जहां से खींच रहा है वो उसका सक्शन लाइन। तो दो लाइन स्पेशल होती है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। और अगर ये कंप्रेसर हम जब फ्रिज का देखते हैं ना, तो इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें दो नहीं, इसमें तो तीन लाइन है। एक लाइन देखिए यहां पर है, दूसरी लाइन इधर है, और ये तीसरी लाइन है, तीन लाइन है। तो है क्या, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, और एक लाइन इसमें और हो जाती है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग लाइन। ये चार्जिंग लाइन क्या होती है, जब इसमें गैस या ऑयल चार्ज करते हैं उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी टाइम में यह बंद होती है। और उससे भी अलग बात समझे तो यह कि सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों एक ही होती है। मतलब जो सक्शन लाइन वही चार्जिंग लाइन होती है। यहां पर हम एक बार डायग्राम में समझते हैं। देखिए कंप्रेसर होता क्या है कि कंप्रेसर जैसे देखिए अगर नॉर्मली देखेंगे तो उसका बनावट जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहां पर एक बार थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। इसकी जो बनावट होती है कंप्रेसर अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसके अंदर जो पाइपें निकली होंगी ऐसे तीन पाइपें निकली होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है सक्शन लाइन, एक का नाम होता है डिस्चार्ज लाइन, और एक का नाम होता है चार्जिंग लाइन। इस तरह से तीन लाइनें होती हैं। जब हम इस मोटर को चालू करते हैं, सप्लाई देते हैं, यह सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से हवा को बाहर करेगा। और कहना यह भी है कि इसके अंदर सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों एक ही होती है, ये अलग नहीं होती है। अगर सक्शन को बंद कर लिया जाए तो हवा चार्जिंग से खींच लेगा ये, और अगर चार्जिंग को बंद कर लिया जाए तो हवा सक्शन से खींच लेगा। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो नाक ये दो तरफ होती है ना, मतलब अगर इधर से बंद करेंगे तो हवा इधर से ले लेगा, और अगर एक तरफ से बंद करेंगे तो दूसरी तरफ से ले सकता है। सेम उसी कंडीशन में यह कंप्रेसर है, ये दोनों लाइनें दो नहीं होती, एक ही होती है अंदर जाकर के। बस बाहर से देखने में हमें लगता है कि ये लाइनें दोनों दो है। देखिए अगर इसको हमें समझना है तो समझेंगे क्या कि कंप्रेसर एक मोटर है। देखिए इस तरह से कंप्रेसर एक मोटर है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, और इस मोटर का ये जो शाफ्ट है ना, देखिए कुछ बनावट इसकी इस प्रकार से, इस मोटर के शाफ्ट की बनावट कुछ इस तरह से है। और जब ऐसी बनावट का कोई मोटर होगा और इसमें सप्लाई दिया जाएगा, जब ये चलेगा तो कैसे चलेगा, क्या ये गोल में घूम पाएगा, नहीं ना। ये जब घूमेगा तो कुछ इस तरह से घूमेगा, ऐसे ऊपर नीचे करके, और जब ऊपर नीचे करके घूमता है तो इसके नीचे लगा रहता है यहां पर एक रॉड, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये हो गया इसका कनेक्टिंग रॉड, और इस रॉड पे लटका होता है इसका पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, अब ये वो पिस्टन है जो इसमें ऊपर नीचे चलता है। मतलब समझिए कि अगर यह मोटर इस टाइम चालू कर दिया जाए तो इसके अंदर ये जो पिस्टन है यह ऊपर नीचे होगा, यानी इस तरह से ऊपर इसमें पंपिंग करेगा, और जिसमें यह ऊपर नीचे होता है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। तो यहां पर देखिए इसको हमने बना दिया एक सिलेंडर, समझिए ये जो ऊपर नीचे होता है इसे पिस्टन बोलते हैं, और जिसमें ऊपर नीचे होता है उसे सिलेंडर बोलते हैं। पिस्टन का मतलब जैसे पंप होता है ना साइकिल में हवा भरने वाला, या कहीं भी पंप, तो पंप के अंदर जो वार्सल लगा है वो वार्सल समझिए पिस्टन है, और पंप की जो पूरी बॉडी है वो उसका सिलेंडर है। तो पिस्टन और सिलेंडर मतलब जो ऊपर नीचे होता है उसे पिस्टन कहते हैं, और जिसमें ऊपर नीचे होता है उसे सिलेंडर कहते हैं। अब समझिए यहां पर जब यहां से ये पैक होता है ना, तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से होती है। यहां पर ध्यान देंगे तो ये देखिए छोटी सी लाइन हमने बनाया, यहां पर बीच में थोड़ी लंबी लाइन बनाया, और उसके बाद फिर छोटी सी बनाया, और बीच से ये अलग अलग करके ऐसे पैक है। अब होता क्या है कि इसके अंदर कुछ पत्तियां लगी होती है, वो पत्तियां कैसे, यहां का एक पॉइंट होता है इसमें पत्ती जो लगी होती है वह ऐसे नीचे की तरफ लगी होती है, और इधर से भी एक पत्ती लगी होती है इसमें ऊपर की तरफ लगी होती है। और ये कंप्रेसर मोटर है, देखिए हमने इसको पैक कर दिया पूरा जूम करके, ऐसा समझिए कि देख रहे हैं इसको। यहां से एक लाइन बाहर निकली होती है,
ये वाली, और यही जो लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन है जो कि यहां से बन करके आती है, ये इसकी होती है डिस्चार्ज लाइन। यानी डिस्चार्ज लाइन का मतलब जहां से गैस को बाहर फेंकता है। तो सक्शन लाइन कहां है? सक्शन लाइन देखिए इसकी यही होती है बस, और अगर बॉडी में जहां कहीं भी सुराख कर दिया जाए वही सक्शन लाइन, जहां कहीं सुराख कर दिया जाए वही चार्जिंग लाइन, वही सक्शन लाइन, वही चार्जिंग लाइन। अब होगा क्या, जब ये मोटर चलेगा, जब चलेगा तो सोचिए कि ये जो पिस्टन है रगड़ते हुए जिस समय या ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा, जब ये ऊपर खींचता है ना, ये दोनों पत्तियां ऊपर की तरफ जाती है, और दोनों पत्तियों के ऊपर जाने के कारण ये वाली पत्ती पूरी तरह से ऊपर चली जाती है, खुल जाती है क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन ये वाली पत्ती आकर के यही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये तो यही रुक जाती है लेकिन ये पूरी तरह से खुल जाती है। और जब ये ऐसे ऊपर खींचता है तो उस समय यहां से हवा को ये अंदर की साइड में खींच लेता है, यहां से अंदर की साइड में खींचता है, और जब ये ऊपर से नीचे की साइड में पिस्टन दबाता है तो ये क्या होता है, इधर वाली पत्ती आकर के इसके ऊपर टिक जाती है और ये रास्ता बंद हो जाता है, जबकि यहां से रास्ता खुल जाता है और वही गैस यहां से डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। मतलब ये प्रक्रिया होती है कि पिस्टन जब ऊपर खींचता है तो पत्ती इधर वाली खुलती है जो सक्शन लाइन वाली है, और जब नीचे दबाता है तो डिस्चार्ज लाइन वाली खुलती है, सक्शन लाइन वाली बंद होती है। मतलब एक टाइम में एक पत्ती खुलती बंद होती है, जिसके कारण गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। समझिए कि जब यह सक्शन लाइन से गैस को खींचता है तो गैस पाएगा कहां से आखिर? अगर पाएगा तो यहीं से पाएगा, इसके अंदर यही एक सुराख है और इसका किसी भी पाइप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये पूरी बॉडी में अगर कहीं पर भी सुराख बना दिया जाए तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि नहीं यही सक्शन लाइन, क्योंकि वहां से भी गैस को खींच सकता है। जैसे एक भरा हुआ गुब्बारा है, अगर कहीं भी लीकेज कर देंगे तो हवा तो पूरी निकल जाएगी ना, कहीं भी कर देंगे, उसी तरह से यह भी है, जहां से भी यह जगह पाएगा वहां से हवा खींचेगा और बाकी की पूरी बॉडी पैक है। मतलब सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों एक होती है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा समझते हैं हम आपको, यहां पर देखिए ये जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर मोटर हमारा, जो हमारा कंप्रेसर मोटर है ये यहां पे देखते हैं, ये कंप्रेसर मोटर है, ये जो फ्रिज का कंप्रेसर है इसके अंदर तीन लाइनें हैं ना, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। तो सक्शन और चार्जिंग दोनों एक होती है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता है। आप बात रहे डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज सबसे अलग होती है, इसका काम बस गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। अगर हम इसको हटा देते हैं, इस कंप्रेसर को थोड़ा छोटा करते हैं, ये फ्रिज का कंप्रेसर है। अगर एसी का कंप्रेसर देखेंगे तो उसके अंदर जो कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है रोटरी कंप्रेसर। ये देखिए ये कंप्रेसर, अगर इसके बाहर की सीन देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, अंदर की चीजें कुछ इस तरह से होती हैं, बाहर की सीन में कुछ इस तरह का ये वाला दिखाई देगा। बाहर देखने में इसके अंदर सिर्फ दो लाइन दिखाई दे रही है, दो लाइन में मतलब देखिए एक यहां है और एक इधर है। इसके अंदर सक्शन लाइन क्या होती है, जिसमें एक्यूमुलेटर लगा होता है। एक्यूमुलेटर का मतलब ये एक खोखला भाग होता है, सिलेंडर होता है, अंदर गैस को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। देखिए यहां पर कंप्रेसर का अंदर की सीन बनी हुई है ना, देखेंगे कि जितनी भी मशीन है, मोटर है, पिस्टन है, सिलेंडर है, सब कुछ इस बड़े वाले भाग में, मतलब इस बड़े वाले भाग में रहता है, लेकिन ये जो छोटा वाला भाग होता है इसके अंदर कुछ होता नहीं है, ये खोखला होता है, बस गैस को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, जिससे आगे गैस का दबाव ना बन जाए, इसके पिस्टन और सिलेंडर पे गैस का दबाव ना बन जाए, नहीं तो क्या होगा, ये जाम हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि कंप्रेसर मोटर हमारा शट बैक हो गया। शट बैक मतलब किसी कारण से पिस्टन या सिलेंडर जाम हो जाए कंप्रेसर के अंदर, उसे बोलते हैं शट बैक हो गया। तो चाहे वो कोई भी कंप्रेसर हो, रोटरी कंप्रेसर हो, या फिर हमारे फ्रिज का कंप्रेसर हो, एसी का कंप्रेसर हो, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, काम सभी का एक ही होता है। लाइनों की बात है, इसके अंदर देखिए सिर्फ दो ही लाइन होती है। अगर चार्जिंग लाइन इसमें बनाना होता है तो इसी पाइप से हम एक चार्जिंग लाइन बनाते हैं। अब हम इसको बोलेंगे कि ये सक्शन लाइन है और इधर बोलेंगे कि ये चार्जिंग लाइन है, उसी लाइन में से, मतलब सक्शन लाइन में से कहीं से भी एक पाइप निकाल लेंगे, बोलेंगे कि ये चार्जिंग लाइन हो गई। इसके अलावा यहां पर दिखाते हैं आपको, ये जो कंप्रेसर मोटर है, ये वाला कंप्रेसर देखिए, जैसे फ्रिज में लगा होता है ऐसे पीछे की साइड में देखे होंगे, फ्रिज के पीछे लगा होता है कंप्रेसर, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये भी कंप्रेसर मोटर है हमारा, इन सबको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड में कर देते हैं और दिखाते हैं ये सभी कंप्रेसर मोटर। इस तरह से देखिए ये हमारे फ्रिज है और फ्रिज के अंदर कंप्रेसर सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महंगा पार्ट यही है, इसी के द्वारा सब कुछ कार्य होता है। देखिए कंप्रेसर मोटर इसमें यहां पर लगा हुआ है, यहां कंप्रेसर लगा है और कंप्रेसर के द्वारा गैस कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर होते हुए सभी सामान को ठंडा करता है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्रेसर कार्य करता है। अगर हम और भी कंप्रेसर की बात करें तो यहां पर देखिए ये हमारा ये वाला कंप्रेसर, खुला हुआ कंप्रेसर एक देख सकते हैं, फ्रिज के अंदर
जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर ऐसा ही मोटर होता है, और इस कंप्रेसर को देखिए काट के दिखाया गया कि इसके अंदर मोटर होता है, पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, इसी तरह से सब कुछ इसके अंदर होता है। तो इस तरह से हमारा कंप्रेसर मोटर कार्य करता है। कंप्रेसर से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।